हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टजोन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ IRMS वैकेंसी 2022 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ इस वैकेंसी के बारे में, क्या इसका टॉपिक और सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न यहाँ पर इसका क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई, कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होंगे, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे जो IRMS की वैकेंसी है वो सिविल सर्विसेज 2022 की जो नोटिफिकेशन आई है उसी में ऐड कर दी गई है। ये नोटिस एक जारी की गई जिसमें आप देख सकती हो, पहले जो सिविल सर्विसेज की वैकेंसी आई थी वो टोटल 861 निकाली गई थी। यहाँ पे जो IRMS की वैकेंसी ऐड की गई है वो टोटल 150 वैकेंसी ऐड की गई है। इस 150 के ऐड करने के बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई है वो 1011 हो गई है। सिविल सर्विसेज जिसका फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है 2/2/2022 की, इसकी नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई थी, तो उसी में ये वैकेंसी जो है वो ऐड कर दी गई है। तो इसका फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट है, आप चाहो तो आप फॉर्म फिल कर सकती हो, और ऑलरेडी अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया है तो आपको इसकी सेपरेट फॉर्म फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे कौन सी डिग्री मांगी जाएगी, तो इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाएगा। आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में किया हुआ है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वही सेम यहाँ पे IRMS के लिए भी रखा गया है। अगर एज लिमिट की बात करें तो जैसे कि सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया गया है 21 साल से लेकर के 32 साल जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है, आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त 2022 तक की जाएगी। बाकी एज में रिलैक्सेशन भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को 3 साल की। तो यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी चेक कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो 100 रुपए एप्लीकेशन फी रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। IRMS के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड की हम लोग बात कर ले तो मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है, वुमेन कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है, ट्रांसजेंडर के लिए भी 150 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 84 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए चेस्ट 79 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगी। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात कर ले तो जैसा कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम में होता है, पहले आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। प्री आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेंगे, 1/3 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। उसके बाद मेन्स एग्जाम आपका होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। प्री आपका जो एग्जाम होगा वो 400 पेपर का होगा, 2 इसमें कंपलसरी पेपर होंगे, तो पेपर जनरल स्टडी 1 और जनरल स्टडी 2 आपके रहेंगे प्री एग्जाम में। आपका जो जनरल स्टडी पेपर है सिविल सर्विसेज का प्री एग्जाम में वो क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, इसमें आपको 33% मार्क्स लाना होगा। पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही रहेगा। अगर यहाँ पे मेंस एग्जाम की बात कर ले तो मेंस एग्जाम में 2 आपके क्वालिफाइंग रहेंगे, कंपलसरी पेपर रहेगा, एक तो आपका पेपर ए है और दूसरा आपका पेपर बी है। पेपर ए में आपके जो इंडियन लैंग्वेज है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये 300 मार्क्स का होगा। पेपर बी में आपके इंग्लिश रहेंगे, ये भी 300 मार्क्स का होगा। ये कंपलसरी पेपर है और ये क्वालिफाइंग पेपर है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग आपको इसमें करना होगा, इसका जो मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद है आपका पेपर 1, पेपर 1 में SA रहेगा जो कि 250 मार्क्स का होगा। उसके बाद पेपर 2 जिसमें जनरल स्टडी 1 रहेगा, पेपर 3 जिसमें कि जनरल स्टडी 2 रहेगा, पेपर 4 जिसमें जनरल स्टडी 3 आपसे पूछा जाएगा, पेपर 5 जिसमें जनरल स्टडी 4 रहेगा। तो ये आपके रहेंगे पेपर 5 तक जिसमें जनरल स्टडी आपके पूछे जाएंगे, ये 250 मार्क्स का आपका रहेगा सभी पेपर, और सभी के लिए आपको 3-3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपका ऑप्शनल पेपर, पेपर 6 में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे, एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका जो भी आप सब्जेक्ट चुनते हो वो पेपर 1 होगा पहले आपका पेपर 6 में, उसके बाद पेपर 7 में आपका पेपर 2 होगा। तो ये आप देख सकते हो ये आपके मेंस के एग्जाम पैटर्न रहेंगे। मेन एग्जामिनेशन के लिए जो आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा उसकी पूरी लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे मेंशन की गई है, इनमें से कोई एक पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑप्शनल पेपर के लिए। अगर आप IRMS के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप यहाँ पे टेक्निकल पेपर ही सिलेक्ट करो, आप कोई भी पेपर सेलेक्ट कर सकते हो इसमें। अगर इसके टॉपिक वाइज सिलेबस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन का टॉपिक वाइज सिलेबस आप लोगों को मेंशन किया गया है, पेपर 1 का, पेपर 2 का भी यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपके मेंस एग्जाम के और प्री एग्जाम के दोनों का ही सिलेबस आपको मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी PDF मैंने वहाँ पर शेयर कर दी है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अगर इसके इम्पोर्टेंट डेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्म फिलअप जो है वो 2 फरवरी 2022 से ही स्टार्ट है और इसमें अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी 2022 है। तो 22 फरवरी तक ही आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी। मैंने कोशिश की है कि सभी आपके डाउट्स जो है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाए। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।